लॉकडाउन हटाने के बाद, देखो लॉकडाउन हटाने के बाद एक अजीब सी प्रक्रिया हमारे देश में देखी गई जो भारत के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले। सारे शराबी जो हैं वो ऐसे टूट पड़े ठेकों पे और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। 80 रुपए की बोतल 120 में खरीदी, 150 में खरीदी, पर खरीदी और देश को पैसे की कमी नहीं होने दी। सरकार को ने जितना मांगा उतना टैक्स दिया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया उनके लिए। लॉकडाउन हटाने के बाद शराब की कीमत में 12% की वृद्धि हुई। लगभग कितने प्रतिशत खपत की जानी चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर में, जो शराब का खर्चा फिक्स है महीने का, उसमें कोनो फर्क ना पड़े? तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है। प्राइस को जितना चेंज करोगे कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। नहीं, 12% बढ़ गई शराब की कीमत। 12% का मतलब कितना होता है? 3/25। 3/25 अगर शराब की कीमत बढ़ी है तो कंजम्पशन को कितना प्रतिशत घटाना होगा? भाई कंजम्पशन को 3/28 घटाना होगा। ये आता है डायरेक्ट। आप ये देखो ना, प्राइस अगर पहले 25 था तो 3 बढ़ गया जी, 28 हो गया। प्राइस का रेशियो ये है, तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा ना। पहले 28 लीटर पी रहे थे महीने का, 25 ही पियो, तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो जाएगा? 3/28। इसकी परसेंटेज वैल्यू लिखी है मैंने डायरेक्ट। 1/7 कितना होता है? 14.28%। ये 1/28 है, तो 14.28% का बटे 4 करा तो अप्रोक्स 3.6 आएगा, है भाई, और ये उसका 3 गुना है। ऐसे करना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, काटा कुटी करो। ये जमाने गए।